नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हाई टेंशन लाइट से वानर की मौत। गांव में निकाली शव यात्रा व विधि पूर्वक किया दाह संस्कार। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव अमलावाद में हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से वानर की मौत हो गई, जिससे गांव के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि वानर की शव यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। जिस प्रकार मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता है, उसी तरह विधि विधान की तरह ढोल गाजे बाजे के साथ वानर राज का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार में गांव के कई युवाओं व सामाजिक लोगों ने उपस्थिति दी। कहते हैं, हिंदू धर्म में हनुमान जी महाराज को राम के प्रति उनकी आगत भक्ति के लिए पूजा जाता है और भगवान के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण के लिए याद किया जाता है। हनुमान जी को कर्मयोगी का जीवित अवतार माना जाता है और उनकी वानर सेना को शौर्य और शक्ति का प्रतीक। इसलिए आज अमलावाद में एक वानर राज की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर समस्त ग्राम वासियों के द्वारा हिंदू परंपरा के अनुसार बड़े ही सम्मान और संस्कार के साथ अंतिम यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया गया। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया ही सही है, उसी प्रकार से हमें पंचायत के माध्यम से सूचना कर दी गई थी पूरे गांव में सभी सनातनी भाइयों को कि हमारे यहाँ वानर राज की मृत्यु हो चुकी है। आप सभी को जो भी आना चाहे शव यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार से कम करीब करीब 100-150 सनातनी भाई इकट्ठे हो गए और गांव में बड़े विधि विधान से शव यात्रा निकाली। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया ही सही है, उसी प्रकार से हमें पंचायत के माध्यम से सूचना कर दी गई थी पूरे गांव में सभी सनातनी भाइयों को कि हमारे यहाँ वानर राज की मृत्यु हो चुकी है। आप सभी को जो भी आना चाहे शव यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार से एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। 3 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग, ग्रामीणों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जानकारी के अनुसार जिले के गांव बबेरचा में आज दोपहर 3 बजे गेहूं की फसल में आग लगी, जिसको ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि 3 बीघा की फसल में आग लगी थी, जिसमें 1 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक डीपी में फॉल्ट होना बताया है, जिससे पूरी डीपी में करंट फेल गया था, वह शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई। वीडियो में विद्युत मंडल विभाग पर भी आरोप लगा। हां साहब, ये आज आग कैसे लगी है? ये आग डीपी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लाइनमैन साहब को 4-5 बार बताने के बाद भी ये डीपी चेंज नहीं हुई, पूरी डीपी में करंट आ रहा है और आए दिन दो तीन दिन में फाल्ट होके बहुत सारी अंगीरे नीचे गिरते हैं और यहाँ उसी कारण आज आग लगी और पूरे खेत ये गेहूँ के जल चुके हैं। अच्छा, और ये बिजली कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज किसानों के गेहूँ जल चुके और ये डिप्पी सही भी नहीं हो रही है। डिप्पी सही भी नहीं हो रही है, ओलावृष्टि से पहले ही फसलों के नुकसान हो चुका है किसानों के। कितने दिनों से डिप्पी खराब है? ये 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए बरसात के बाद खराबी है डिप्पी। अच्छा, कंपनी मालिक को बोला कि नहीं बोला आपने? हजारों बार बोल दिया। बिजली में कंप्लेन करी तो वो सही करने वाला है, उन्होंने डायरेक्ट जुगाड़ करके वो खूंटी में तारा वाड़ के डिप्पी में लगा दिया, पूरी डिप्पी में करंट आ रहा है। खूंटी डायरेक्ट कर रखी है उन्होंने। अच्छा, डायरेक्ट कर रखे, आप जूम करके देखो, पूरी डिप्टी में करंट आ रहा है, डायरेक्ट तार हैगड़े डाल रखे। चलो ठीक है। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। उन्नाव में आज फिर दिल दहलाने वाली घटना घटी। उन्नाव के बसीरतगंज स्थित वृंदावन होटल के बगल में कानपुर टू लखनऊ जाने वाले राजमार्ग पर HNA की बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वृंदावन होटल के बगल में डंपर में टायर खराब होने के कारण बदल रहे थे, जो नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में खड़ा था। वहीं पीछे से दूसरा डंपर कानपुर शहर से आता है और खड़े डंपर में टक्कर मार देता है। टक्कर लगने से उसमें आग लग जाती है। आग लगने से कंडक्टर और ड्राइवर जल जाते हैं, जिसमें की मृत्यु हो गई। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। तहसीलदार गोड़ के ब्रहानपुर में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। तहसीलदार अजमेर सिंह गोड़ को डिप्टी कलेक्टर ब्रहानपुर पदोन्नत होने पर प्रेस क्लब बदनावर एवं श्री सहयोग सेवा संस्था द्वारा सोमानी गार्डन पर विदाई समारोह रखा गया। आयोजन में मंच पर तहसीलदार अजमेर सिंह गोड़, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री मनोज सोमानी, समाज सेवी दिलीप सिंह चौहान, प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री, पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र भट्ट, सुषमा पाठक मौजूद है। उपस्थित सदस्यों ने तहसीलदार का
शॉल, श्रीफल, साफा एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। सोमानी ने गोड़ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, सहजता से कार्य करने वाले अधिकारी विरले ही मिलते हैं। गौड़ साहब उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने कोरोना काल में जनता के साथ समन्वय के साथ कार्य किया। ड्रोन से जमीन का सीमांकन जैसे कई दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। अग्निहोत्री ने गौड़ के 3 साल के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तहसीलदार अजमेर सिंह गौड़ लोगों से सीधा संवाद रखते थे, आमजन की समस्याओं को त्वरित निराकरण करते थे, जिसके कारण आम लोगों में गौड़ साहब की छवि एक साफ एवं स्वच्छ कर्तव्य निष्ठ तहसीलदार के रूप में बन गई थी। बदनावर में खेड़वास में स्थापित हो रहे सोया प्लांट के स्थापित होने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कोरोना काल में भी आपकी सेवाएं उत्कृष्ट रही। साथ ही प्रेस क्लब सचिव नवीन चौहान, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी दिलीप सिंह चौहान, सुषमा पाठक, महेश पाटीदार ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। गौड़ ने भी बदनावर अनुभाग में बिताए 3 वर्ष के कार्यकाल पर कहा कि बदनावर की मीडिया, राजनेता एवं आम लोगों का मुझे हमेशा सहयोग मिला है, जिसके कारण मैं अपने 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर पाया हूं। बदनावर में बिताए गए समय को याद करते हुए गौड़ भावुक हो गए। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पंडित प्रदीप पांडे द्वारा किया गया। आभार कोषाध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता व नेता उपस्थित थे। एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। दिल्ली नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने और डीबीसी कर्मियों को बिना ब्रेक के सेवा विस्तार देने की मांग को लेकर बीजेपी के निगम पार्षद आज सिविक सेंटर के बाहर दे रहे धरना। एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। पहाड़ से बरसते इन पत्थरों के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। पंथियाल टनल के ऊपर से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर हाईवे बंद करना पड़ा है।